दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है माइग्रेन। माइग्रेन एक तरह से सिर दर्द होता है जो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है और शरीर के आधे हिस्से में होता है। कई बार हमें देखने को मिलता है कि आधा सिर दर्द करता है और बहुत ज़्यादा करता है। वो इधर का भी हो सकता है या इधर का भी हो सकता है। दोनों में से जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही साइड में होगा, दोनों में से कोई सी भी एक साइड पर हो सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइग्रेन के लक्षणों के बारे में, इसके कारणों के बारे में, इसका इलाज क्या होता है और इसको कैसे बच सकते हैं। तो हम संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। और अगर काम की जानकारी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइग्रेन के लक्षण क्या होते हैं, माइग्रेन में कौन कौन से हमें लक्षण दिखाई देते हैं मरीज में। तो सबसे पहला लक्षण जो होता है वो तेज दर्द होता है और आमतौर पर एक साइड पर होता है। जो दिमाग का आधा हिस्सा होता है उसमें बहुत ज्यादा सीवियर दर्द देखने को मिलता है और तेज सर दर्द के साथ उल्टी या नोजिया की कंडीशन भी देखने को मिलती है। इसके अलावा लाइट और साउंड से सेंसिटिविटी भी होती है उसको। जैसे ही उसके आंखों पर रोशनी पड़ती है या जैसे ही साउंड सुनाई देता है उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा तेज सीवियर दर्द करने लग जाता है उसको। और ध्यान केंद्रित करने में यानी कि फोकस करने में भी उसको बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, वो एक जगह फोकस कर ही नहीं पाता है क्योंकि सीवियर दर्द ही इतना होता है। और अगर बात करें इसके उपचार के बारे में, कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो कुछ दर्द निवारक दवाएं जो पेन किलर्स होती है वो दी जाती हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन दवा सबसे ज़्यादा यूज की जाती है वो होती है नेप्रोक्सेन। और इसके अलावा एरोमाइग्रेन भी एक ऐसी दवा है जो यूज की जाती है ऐसी कंडीशंस में। और इसके अलावा आपको कुछ उपाय भी करने चाहिए, जैसे कि आराम करने के लिए बिल्कुल शांत और अंधेरे कमरे में बैठें। इसके अलावा मेडिटेशन और एक्सरसाइज को अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में शामिल करें। इससे भी आपको इस कंडीशन से छुटकारा मिलने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ऐसी कंडीशन आपको ज़्यादा होती है, बहुत लंबे टाइम से हो रही है ऐसी माइग्रेन की कंडीशन, तो आपको ये धीरे धीरे कम करने में सहायता मिलेगी योगा और मेडिटेशन से। और अब आइए बात करते हैं कि माइग्रेन को कैसे रोका जा सकता है, कैसे इसको कम किया जा सकता है। तो आपको पर्याप्त नींद लेना चाहिए और ठंडे पानी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ठंडे पानी से भी ये समस्या बहुत कम होती है। इसके अलावा आपको संतुलित भोजन लेना चाहिए और एक्सरसाइज पर फोकस करना चाहिए। आपको रेगुलर लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को जरूर शामिल करें। इसके अलावा टेंशन और स्ट्रेस हैं आपको डेली रूटीन में, या आपको किसी भी रिलेटेड टेंशन है तो उसको कम करें या इसके टेंशन लेना छोड़ें, इससे भी आपको इस दर्द से राहत मिलेगी। तो ये थी हमारी माइग्रेन पर डिटेल में बात। और याद रखें कि अगर आपको बार बार माइग्रेन के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत चिकित्सक से सलाह लें, डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। बिल्कुल भी ऐसा ना रहे कि अपने हिसाब से नेप्रोक्सेन दवा लेते रहेंगे, दर्द ठीक होता रहेगा, क्योंकि आगे जाकर सीवियर भी हो सकती है और ऐसी कंडीशन आपको सीवियर ना हो इसलिए तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। माइग्रेन एक काफी गंभीर बीमारी हो सकती है आगे जाकर, क्योंकि हम सब जानते हैं ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां कभी छोटी मोटी नहीं होती है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ये वीडियो कम्प्लीटली जानकारी के लिए है, ना कि डॉक्टर का कोई अल्टरनेटिव है। तो इस वीडियो से हमेशा जानकारी लें, ना कि डॉक्टर को दिखाने से बचें। और आशा करते हैं वीडियो में आपको काम की जानकारी मिली होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक और काम की जानकारी वाली वीडियो आपको टाइम से मिल जाए इसलिए बेल आइकन को ऑन कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।